A few moments later. कम से कम होना चाहिए ना, क्या चार लोग हैं तो आज किसका बर्थडे है? तो मुझे विश तो करो. हैप्पी बर्थडे. चलो, सो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने. नहीं सुन रही हूँ. डिनर करने जा रहे हैं हम बर्थडे पार्टी के लिए. The next day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pinkish. Happy birthday. लात मारना मारू बोल के. ये साले आए थे मुझे बर्थडे सरप्राइज देने. क्यों? थैंक यू. बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया. केक तो मैंने ही खाया है. जी ये बिल्कुल पहली बार आई है हमारे घर पे. तो आपको बताओ लात या गुस्से किससे स्वागत किया जाए? एग्जैक्टली. चल यहाँ पे पूर्वा है एक और दूसरा ये पूर्वा मारेगी और हम मजे लेंगे. एडवांस से बढ़ो. रेडी 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 मार. कहाँ जा रही है? पूर्वा हमें बहुत मारती है. नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. गंदा मैं किसने बोला ऐसे आने? बस प्यार मोहब्बत आ गई मुझे तुम लोगों पे. मेरे प्यारे बच्चे मेरे से मिल ऐसे देखा. क्या मुझे बहुत लोगों से मार पड़ेगी? तो सह ले ना बर्थडे बम के नाम पे सह ले. हेलो गाइस, सो
तो मैं अभी घर पे आई हूँ क्लासेस से, अभी अभी घर पे आई, और ये जो है ये आपको मेरे बर्थडे के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का है, जो कि मैं अभी आई हूँ, बस क्लास से आई हूँ, और घर पे अभी दो पार्सल्स मुझे मिले हैं आने के बाद। ये देखिए, ये दो पार्सल्स आए हैं, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ही अनबॉक्सिंग कर लूँ। तो एक तो है ये जो है ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भेजा है, सो मैं मेरे से तो पेट में ना इतना मतलब वो हो रहा था कि मैं कब इसे ओपन करूं, क्योंकि जब मैं क्लास जा रही थी तब मुझे पता चला था कि ये डिलीवर हो गया है। सो मैं इसे देखने के लिए एकदम ऐसे एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों ने भेजा है। और दूसरा ये मैंने कुछ एक शूज़ मंगाया था वो है, तो पहले मैं करूँगी अपने दोस्तों का गिफ्ट, उसके बाद मैं करूँगी शूज़। मैं अभी नीचे तक ना पूरे टेबल तक मेरा एंगल जा नहीं रहा है कैमरे का, इसलिए अब मैं इसको हाथ में ही लेके अनबॉक्सिंग करती हूँ इसकी। Oh my God, ये वो है ना, ये वो है जो उसमें लगाते हैं, मोबाइल पे लगाते हैं, और वो इसमें छोटा सा ना ये कैमरे को ये बड़ा कर देता है, जो भी चीज होती है ना उसको और बड़ा कर देता है। ये बहुत, ये मैंने देखा है, एक्साइटेड। मुझे नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, मोबाइल में उल्टा लगाते हैं, और इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे क्यूट क्यूट लेंसेज हैं। देखो ये देखो, आई होप कि गिरे ना। ये देखो, ये इसको मैं ऐसे देती हूँ, ये देखो, आई होप कि आपको थोड़ा दिख रहा हो, वो ना आ रहा हो। ये ना कैमरे के पीछे ऐसे लगाते हैं, अभी मेरा फ़ोन यहाँ पे लगा है तो मैं लगा के भी नहीं देख सकती, लेकिन पहले मैं इसको प्रॉपरली अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। अभी काम करती हूँ ना मैं ना यहाँ पे इसको लोकेशन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। सो ये है, ये कैमरा है, आई थिंक ये कैमरा है। अरे इसको कैसे रखते हैं, और इसके साथ ना ये कितना क्यूट है, मेरे को तो इतनी थैली इतनी क्यूट लगी ना कि क्या बताऊँ। और ये है, आई थिंक ये लेंस है, ये पता है ऐसा लग रहा है इन्होंने मेरे से मतलब फोटोग्राफी से रिलेटेड ऐसे एकदम क्यूट क्यूट सामान दे दिए, एकदम इन लोगों ने ना मेरे प्रोफेशन से मुझे दिया है। ये इसका कैप है आई थिंक, हाँ ये इसका कैप है, इसका ही कैप है, नहीं इसका कैप नहीं है। ये फिश आई है, मैक्रो है और वाइड एंगल है। ये क्या है, ये लेंस का कैप है कुछ, और ये देखिए। सो ये गिफ्ट है, इतना क्यूट है ना मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब ये ना ये लिटरली मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मुझे गिफ्ट मिला है मैं इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ना ये बहुत पहले जब मैंने सोचा था कि मैं फोटोग्राफी करूँगी एज अ करियर करूँगी, तब ना मैं ऐसा अमेजोन पर ना ऐसे आदत होती है ना कि जो चीज़ हमें लेनी हो वो हम सर्च करते रहते हैं, वो बहुत महंगी हो चाहे आप नहीं ले सके हो, ले सकते हो उस टाइम पर, लेकिन आप देखते रहते हो। तो ये ना मैंने देखा हुआ था, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि अभी मैंने कुछ सीखा नहीं है तो वो बिल्कुल वर्थ नहीं होगा, मतलब ये फोटोग्राफी के लिए है, मोबाइल फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा बेटर होता है ये मैंने देखा है, और व्लॉग्स वगैरह में भी आप अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स ले सकते हो इससे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अभी इसको देखूंगी, बट मैंने ये सच्ची देखा हुआ था और मैंने इसे अपने अमेजोन के कार्ड में रखा हुआ था कि मैं कभी इसको लूँगी, मुझे एक बहुत ही क्यूट सा ऐसे फैसिनेटिंग सा लगता है ये। सो मेरे दोस्तों ने मुझे ये दिया है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था एकदम ऑनेस्टली, क्योंकि कल मेरे फ्रेंड्स आए थे, आपने इसके पहले वाली क्लिप्स देखी होगी जो मेरे फ्रेंड्स आए थे, सो उन्होंने मुझे बोला था कि तेरा गिफ्ट आने वाला है, तो मैंने ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज़ है। ये व्लॉग नहीं बंद करूँगी तो मैं इसको टेस्ट करके नहीं देख सकती अपने मोबाइल में, क्योंकि मम्मी का मोबाइल भी नहीं है कि मैं उसमें ट्राई कर लूँ, तो इसको फटाफट मोबाइल में चेक करके फिर मैं आपको बता तो नहीं सकती, फिर मैं देखूँगी, मैं आपको बता सकूँगी तो मैं वो भी बताऊँगी। और ये जो शूज़ वाला अनबॉक्सिंग है मैं पहले इसको ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में करती हूँ मेरा शूज़ को लेकर। स्टोरी ये है कि मैंने सोचा था कि मैं इसको बर्थडे पे पहन के जाऊँगी, लेकिन मैंने ही लेट ऑर्डर किया, मुझे चाहिए था मेरे बर्थडे पे, लेकिन मैंने ही लेट ऑर्डर किया, तो ये आया ही नहीं मेरे बर्थडे तक। अभी मेरा परसों मेरा बर्थडे था 12 सितंबर को, और आज हो गया है 14, तो ये 2 दिन बाद आया है, बट कोई नहीं, अभी इसको पास दिखाती हूँ। मुझे ना ये शूज़ चाहिए थे, थोड़ा सा है ना ऐसे, थोड़ा सा ये जो सोल है ये थोड़े से ऐसे ऊंचे वाले सोल वाले चाहिए थे मुझे,
तो ये दिख रहे हैं अभी, अब मैं इसको पहन के देखूंगी कि ये कैसे है, अच्छे है कि नहीं है, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे है कि नहीं, क्योंकि शूज़ वगैरह में तो ऐसा होता है कि आपको पसंद आना चाहिए, फिटिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए। मैं इसको पहन के देखती हूँ उसकी फिटिंग कैसी है। कुछ ऐसे लग रहे हैं, तो आई थिंक आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट, क्योंकि मुझे थोड़े अच्छे लगे। सो गाइज, बस यहीं आज मैं अभी मेरे बर्थडे व्लॉग की जो भी शूट किया था मैंने बर्थडे व्लॉग के लिए, वो सारा मिला के मैं इसी व्लॉग में आज डालने वाली हूँ, और मेरे बर्थडे व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ अब। तो अब मिलूंगी हम आपके साथ नए वाले व्लॉग में, जो भी होगा नया कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। सो मिलते हैं अब नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हे गाइस, तो मैं फिर से भूल गई थी कि मुझे कपड़े दिखाने थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एंडिंग चाहे हो गई हो नहीं हो गई हो, मैं पहले अपने कपड़े दिखा के रहूँगी। तो आई एम सॉरी, मैंने बहुत बार बोला लेकिन दिखाया नहीं। सो अभी मैं आपको दिखाने के लिए ही पूरी तैयारी कर ली मैंने कि आज तो मुझे दिखाई देना है। तो ये तो सबसे पहला जो है ये कार्गो पैंट्स हैं, ये देखो। मुझे ना पर्सनली कार्गो पैंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये मैंने, मतलब मैंने पहले कार्गो पैंट्स खरीदे शायद, ये मुझे अच्छे लगते थे, सो मैंने ये एक कार्गो पैंट्स लिए हैं। और दूसरा है ये बेल बॉटम। मुझे बेल बॉटम का भी ऐसे इस बीच में ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, वैसे तो ट्रेंड काफ़ी दिन से चल रहा है, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे तो मैंने ये लिए है। इसको मैंने अभी तक एक बार भी पहना नहीं, और मैंने कार्गो पैंट्स मेरे बर्थडे के दिन पहने हुए थे। सो ये है मेरे बेल बॉटम, जो कि मैं पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और लिए थे मैंने ये एक टॉप, ये एक सिंपल टॉप है, एकदम सिंपल सा टॉप है ये। और दूसरा भी मैंने सिंपल टॉप ही लिया था, मुझे सिंपल टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल जैसे टॉप्स आते हैं ना बहुत सारे डिज़ाइंस वाले, वैसे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते मुझे, सिंपल सिंपल ज़्यादा बेटर लगते हैं। सो ये एक ग्रे कलर का एकदम सिंपल सा टॉप है, तो मुझे बड़ा पसंद आ गया तो मैंने ये ले लिया। और ये एक है, ये भी सिंपल में ही है बट इसकी डिज़ाइन बड़ी अच्छी है। ये जो इसके हाथ का डिज़ाइन है ना, मुझे ये बहुत पसंद आया, ये देखिए यहाँ पर, इसकी वजह से एक्चुअली मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और नॉर्मली ये बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है, सो मैंने ये एक टॉप लिया है। तो बस मैंने ये तीन टॉप लिए थे और ये दो पैंट्स ली थी, मेरे सारे कपड़े हो गए। बस यही आपको दिखाना था, जिसके लिए मैंने बड़े नाटक किए, बड़े छोछले किए, बट उसमें अभी मेरा हो गया, मैं दिखा के हो गया। सो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। शब्बक है, खाना खा लो जो भी है, ओके बाय।